छोड़ दीजिए अपना भी रहेगा। थोड़ा सा बांध दिया महिलाओं ने मिलकर के पूजा की और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तालाब छठ भी कहते हैं। बलराम जी की पूजा होती है, माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। अरे सुबह बहुत भी कम से कम नहीं रहे, 11 बजे आते हैं ना तो कम से कम 30-35 होते रहेंगे। अब पूछ के सामने हो गया, देख सकते हैं यहाँ मतलब बहुत अधिक महिलाओं ने मिल करके यहाँ एक साथ पूजा किया और ये मेरे पूजा वैसे एक साथ करना ही चाहिए। देखिए यहाँ माता जी से पूछेंगे कुछ कहानी इसकी हो तो बता सकती कहानी। मेरी की थी शीतल की मम्मी दी थी। ये एक शहर में ना एक एक देश था, जैसे मोदी समझ लीजिए देश है, तो वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हो रही थी तो उन आकाशवाणी हुई कि वो अपने जो है ना बेटे का नाती का सर काट के और बलि दे देंगे नदी में तो बारिश होने लगी थी। अच्छा। तो मतलब बेटे को ही बलि दे देंगे तो बारिश होने लगी। अच्छा। थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सोच में पड़ गए कि मेरा एक ही नाती है और मैं कैसे दूं कैसे करूं। तो उन्होंने क्या किया, जब जिस दिन छठी मैया थी उन्होंने रात में कह दिया सुबह तुम उठते ही उनकी बहू को मायके भेज दिया। मायके भेज दिया, बोले जाओ तुम्हारे मम्मी की बहुत हालत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आप वहाँ जाइए। बहुत बहुत मतलब वो मतलब बिल्कुल वो मरने की हालत में है, आपको याद कर रही। तो डोली का हार लेके इन्होंने उनको मायके भेज दिया। अच्छा। और जब मायके वो गई इधर ये सब बलि की तैयारी करने लगे कि बेटे को वो देना है मतलब नदी में बलि देना है, तो इधर सब और सब गांव की सब व्रत रखी थी छठी मैया को याद करके। तो ये करके जब वो वहाँ गई तो वहाँ खूब उनकी मम्मी पूजा पाठ करके खूब हंसी बोल रही थी। तब वो बोली कि यहाँ तो सब हंसी खुशी से सब कर रहे हैं और मेरे ससुर बोले कि माँ आपके घर में वो है। तो उनकी माँ बोली कि कोई बात जरूर है बेटे, तुम इसी पावन अपने घर को लौटो कहार के साथ। तो उसी पावन कहार में लौट गया और वो राजा जो थे ना वो बेटे का बलि मतलब वो नदी में उनको वो दे के और वापस घर आके दरवाजा अपना बंद कर लिया कि मैं वो आएंगी तो मैं उनका क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो कहार लेके वो जब वो आ रही थी रानी उधर से तो देखा कि एक बच्चा नहर में हिल हुल के खूब खेल रहा है मतलब। अच्छा। तैर रहा है। तो वो उठा के जब उठाई कहार से बोली कि देखो ये बच्चा है इसको पकड़ो इसको निकालो। निकाला तो उसी का बेटा था। तो गोद में लेके और आ गई। आने के बाद बोली पापा दरवाजा खोलो। दरवाजा कहे हम कैसे दरवाजा खोली, हमारे से तो बहुत बड़ा वो हो गया ऐसा हो गया। कहे नहीं आप खोलिए। तो खोली तो उनके गोद में लड़का था। तो उसी दिन से जो छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हो गया और ये कहानी चलने लगी उनकी पूजा। तो ये थी इसकी पुरानी कथा, जब से ये प्रथा चली आ रही है लाखों वर्षों से लोग यहाँ पे ये पूजा करते आ रहे हैं। सभी माता अपने बच्चों के लिए करती हैं। मतलब ये तो जब से रामचंद्र के उसमें से कहानी राजा महाराजा पहले दशरथ लोग थे तब की से। बहुत अच्छी आप लोगों ने जानकारी दी। तो सुबह कितनी महिलाएं थी आज यहाँ? कम से कम 40 लोग। 40 महिलाएं। तो आप लोग हर साल यहाँ पे अकेले करते हैं? हर साल होता है ये गांव में, इधर सब हर जगह होता है यूपी में मतलब। ये गंगा विहार कॉलोनी है। जैसे करवा चौथ होता है और ये तीज होता है हरियाली तीज, इसी तरह ये छठी मैया का भी होता। इसको क्या कौन सी कॉलोनी होता है? ये गंगा विहार कॉलोनी। गंगा विहार कॉलोनी में दोस्तों यहाँ पे देखिए माताओं ने गंगा विहार कॉलोनी सुखदेवपुर गया सुखदेवपुर। ये देखिए और ये देखिए सामने यहाँ पे एक मंदिर है। मेरे पास जी वीडियो बना रखा। अच्छा। तो बहुत ही प्यारा इन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो आप लोग भी इस त्यौहार को बनाते रहे, अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ाते रहे आगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इनके बच्चा खेलता है। दोस्तों आज मैं आपको गंगा विहार लेकर आया था और जहां पर आपने देखा सभी महिलाओं ने लगभग 40 महिलाओं ने मिलकर के हलछठ की पूजा की, जिसमें माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप कहां से हैं मुझे ये भी बताएं।
और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं।